अम्मी आपको फुल टाइम काम वाली आंटी मिल गई है। अम्मी काम वाली आंटी तो मान गई है, लेकिन ना वो पैसे आंटी कौन सी काम वाली आंटी? काम वाली आंटी चौकीदार कौन? आप दोनों। अम्मी आपको सैलरी में ना ज्यादा ज्यादा पैसे देने, ईद पर ईदी भी दे दिया करेंगे। किसे फोन पे बात कर रही हूँ? अम्मी पूछ रही है लड़की को जुए निकालने आती है। मुझसे क्यों पूछ रही है? तुम्हें सैलरी दिया था बात करने के लिए, ठीक है? और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें काम वाली लग रही हूँ। हेलो गाइस, दिस इज मी निम्रा अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसे कि टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना क्योंकि रिएक्शन बहुत मजे के आने वाले। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों को बताते चलूं कि मेरे हाथ में चिल्कन प्योर का स्क्रैच मार्क्स लोशन, जो कि आपके स्क्रैच मार्क्स को रिमूव करता है। और अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाते हैं, यूज करते हैं हमारा क्रेजी 10 का कोड, तो आपको मिलेगा पूरे 10% डिस्काउंट। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एक्सक्यूज मी जी, मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है? हाँ ठीक है, क्या करना है आपने? मुझे ना अपने घर पे कॉल करनी है, अपनी अम्मी का एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तो आप अपने फ़ोन से कर लें। मेरे पास फ़ोन होता तो मैं आपसे मांगती भला। अच्छा ठीक है, कर देख लें इसका। गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी, अपने घर पर ही फ़ोन करूँगी, आपके सामने खड़ी होकर फ़ोन करूँगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह की शुक्र। वजह आपने मुझे काम दिया था ना, वो काम बिल्कुल ऐसे परफेक्शन के साथ मैंने कर लिया है। तो हाँ, ऐसी सफाई करेगी आप उस जमीन के अंदर अपना बूथा देख के खुश हो जाएंगे, मैं कसम से कह रही हूँ। हाँ अल्लाह, आप गेट पे खड़े हो जाते हैं ना? क्या मतलब? मतलब गेट पे खड़ा होना आता है ना? नहीं, मैं अपने गेट पे। अपने गेट पर ही होते हैं ना, बस ठीक है। और आपको घर का खाना बनाना आता है? हाँ, वो सब्जी बनाते हैं। मेरी अम्मी की मोटी मोटी टांगे हैं, वो दबानी आती हैं? मोटी मोटी टांगे, मैं क्यों दबाऊँ? अरे दबानी आती है ना? हाँ वो तो आती है। लताड़ा नहीं जिसे कहते हैं, वो करना आता है ना? हाँ बात सुनिए, बिरयानी बनानी आती है ना आपको? आती है, आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही बिरयानी भी बनानी आती है। सफाई सफाई कर लेती हो? पूछ क्यों रही हैं? बताएं तो सही, सफाई कर लेती हैं? हाँ कर लेती हूँ। सफाई भी कर लेती है? ज्यादा पैसे नहीं लेगी? मैं मुझे मिली है, मैं समझा बुझा लूंगी कि ज्यादा पैसे ना ले। क्या मतलब है? बर्तन खाना बनाना आता है? हाँ आता है। इससे आपका मतलब? हाँ सर, आपके जुए? छी छी छी, पूछ लेती हूँ, जुए निकालनी आती है? हाँ बात कर रही हो, दिमाग ठीक है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फोन पे बात करो। अम्मी से फोन पे बात कर रही हूँ, अम्मी पूछ रही है लड़की को जुए निकालनी आती है? मुझसे क्यों पूछ रही है, मतलब क्या है? जुए निकाल लेगी, चले निकाल लेगी। तेल लगाना आता है? क्या कर रही हो यार, मतलब? अम्मी आपको फुल टाइम काम वाली आंटी मिल गई है, बस आपने ना उसको पैसे। आंटी किसको बोल रही हो तुम, और तुम किससे क्या बात कर रही हो? आंटी नहीं बोला मैंने, काम वाली आंटी बोला। पैसे भी आपने उसको अच्छे देने हैं हमेशा। काम वाली लग रही है, मतलब तुम मुझे फोन दो इधर, तुम्हारा दिमाग खराब है? मतलब क्या करके रही हो तुम? बात सुने, अम्मी को ना काम वाली आंटी की शदीद जरूरत थी, तो मुझे लगा कि आप जरूर किसी रोजगार के तलाश में, इसलिए मैंने आपको काम वाली। मेरा दिमाग खराब है? मैं इतना रेडी होकर यहाँ पे काम वाली लग रही हूँ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बात सुने, आपको अम्मी अच्छे पैसे भी देंगी, पंखे के नीचे सुलाया करेंगी, ठीक है? बस आपने मेरी अम्मी की टांगे दबानी है, जुए निकालनी है, तेल निकालना है, बर्तन धोना है। एक तो मैंने तुम्हें अपना फोन दिया, एक तो तुम मुझे रस्ते में रोक रही हो, ऊपर से ड्रामे कर रही हो, क्या कर क्या रही हो, पागल तो नहीं हो तुम? इसमें हाइपर होने वाली क्या बात है, मैं इधर बैठ के रहूं, मेरी अम्मी इतनी परेशानी में, मुझे लगा तो तुम काम करो, कोई और ढूंढो, तुम्हें मैं काम वाली लग रही हूं, तुम पागल तो नहीं हो? आने वाली है। हाँ जो आपने मुझे काम दिया था ना, हाँ हाँ भाई भाई, वो काम हो गया आज। हाँ काम कौन पूछा? बात सुनिए, आपको टिंडे बनाने आते हैं? टिंडे जी, लेकिन पूछ रही हूँ। वैसे ही पूछ रही हूँ। हाँ टिंडे बनाने आते हैं, काले बताऊँ? आते हैं, क्यों पूछ रही हो? काले बताऊँ ऐसे बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा आप बताऊँ खा रही हैं या चिकन खा रही हैं, इतने मजे के बनाएंगी। सफाई सफुई कर लेती हैं आप? पूछ भी नहीं हो मुझे। सफाई भी कर लेती है, और बताएं क्या चाहिए है? आपकी मोटी टांगे भी दबा देगी, और बताएं गर्दन भी दबा सकती? अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं दबाएंगी, चलें। हाँ सारे काम कर लेती है। पैसे कितने लोगे काम के? कौन से काम के? दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? मैंने सैल तुम्हें दी है बात करने के लिए, घर पे जरूरी बात करनी थी तुमने। अम्मी काम वाली आंटी तो मान गई है, लेकिन ना वो पैसे आंटी? कौन सी काम वाली आंटी, किसको कह रही हो? तुम्हें मैं काम वाली लग रही हूँ, शक्ल देखी अपनी तुमने? बात सुने, अपने घर में काम नहीं करती आप? नहीं मैं नहीं करती हूँ, तुम करती हो ना? मैंने तुम्हें सैल दिया था बात करने के लिए, ठीक है? और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें काम वाली लग रही हूँ, देखी तुमने अपनी? ज्यादा शक्ल देखी तुमने? बात सुने, ये नाखून क्या लोग हाथ में रहो, और काम वाली ना खुद जाकर ढूंढो, शक्ल से तो तुम मुझे लग रही है। ऐसे मैं सूट ना काम वाली को देती हूँ अपने उतार के, जो तुम मुझे कह रही हो। पैसे ज्यादा ले लीजिएगा, तुम ले लो मेरे साथ। अम्मी बस आपने इनको अच्छे से पैसे देने, चौकीदार भी मिल गया, काम वाली आंटी भी मिल गई है। हाँ चौकीदार, काम वाली आंटी, क्या मतलब? कौन? आप दोनों? वैसे तो लगता है कि जेल से फरार होके भागे हैं दोनों, लेकिन कोई ना सुने। काम वाली आंटी, चौकीदार कौन? आप दोनों। अम्मी आपको सैलरी में ना ज्यादा ज्यादा पैसे देने, ईद पर ईदी भी दे दिया करेंगी, ठीक है? रमजान में राशन भी दे। बस बहुत हो गया। क्या मकसद इस बात का? मेरा दिमाग खराब कर दिया आपने काम वाली आंटी कह के। मैं ये बंद सफर के पार्क में आई हूँ, काम वाली आंटी
यार आप कौन हो, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। आपने पहले मेरा रास्ता रोका है, मोबाइल मांगा मेरे से, मैंने आपको दिया, आपकी हेल्प की है मैंने, और ऊपर से मुझे कह रही हैं कि आप मेरे घर काम करें आके। बात सुने, क्यों क्यों कह रही हैं आप मुझे, आपका काम बनता है मुझे कहना। बात सुने, मेरी बात सुने, आप जा रही हैं, मुझे लगा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रही हैं, तो मैंने तो आप दोनों की हेल्प की। अंदाजे लगाना छोड़ दें अब इसमें, हाइपर नहीं, आप अंदाजे लगाना छोड़ दें, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी आप। ये हर किसी को रोक के ये नहीं कहती हैं कि आप काम पर लिए हैं, चौकीदार हैं, अगला बंदा माइंड कर जाता है। मैं भी कर गई हूँ माइंड, क्यों नहीं किया मैंने माइंड। अच्छा देखिए इसमें रोने वाले नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। गेट में खड़े होने ना मेरे, बस बस ठीक। अच्छा अच्छा, अब पीछे ना आना, मैंने थप्पड़ मार देना। ऐसे कैसे मार देंगे आपको, तो पैसे धोएगी क्या, आपको शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बर्तनों से अपना मुँह देख लेंगी। हाँ सारा काम घर का, सारा जा रही है, मैं काम करती हूँ अपने घर का, करूँ ना करूँ आपको इससे मतलब। वो कह रही है कि मैं राजी हूँ, 2000 रुपये देंगे, काम वाली आंटी मिल गई है। मतलब है आपका, ऐसा काम करेंगे ना कि मोहल्ले की सारी आंटियाँ कहेंगी हमें भी ये काम वाली आंटी नहीं, चाहिए। आपका मतलब क्या है, मैं आपको आंटी लगती हूँ काम वाली, मैं आपकी कब से बकवास सुन रही हूँ, इसका तो क्या मतलब, आप जो कुछ मुझे बोली जाओगी। नहीं मैंने आपको मोबाइल दिया है यूज़ करने के लिए कि आपने मम्मा से बात करनी, और ऐसे बिहेव करती हो, इधर पकड़ाओ, तमीज है तुम्हें, रोड पर खड़ी हो कि तुम कैसी हरकतें कर रही हो। बात सुने, आप काम नहीं, नहीं मेरी बात सुने, मैं अपने घर का काम करती हूँ। मेरे घर का काम नहीं करें, मेरा घर आपके घर से भी, का काम क्यों करें तुम, मेरे घर का काम कर दो। मेरा घर ना आपके घर से भी अच्छा है, आप यकीन करें, ऐसी सफाई करेंगी ना आपका दिल करेगा। कपड़े नहीं मैं वैसे चार पांच रखी हुई हैं, समझ आई है, अपने काम से काम रखो, इजी नहीं है तुम्हें बिल्कुल। अच्छा एक मिनट मेरे पास ना, वो सामने वाला कैमरा लगा, एक मिनट बात सुने, बात नहीं, अरे वो सामने कैमरा लगा हुआ, हम एक फनी वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह फनी वीडियो बना, पहले तो बताते बता कर ना, ऐसे रियल रिएक्शन नहीं आते, तो इसलिए सॉरी अगर आपको बुरा लगे, आपने माइंड किया तो सो सॉरी टू यू, लेकिन एक फनी वीडियो थी, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अगर ये क्रेजी कॉमेडी भी आएगी आप दोनों ने देखनी है, ठीक है चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। मोबाइल दिया था हेल्प करने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कोई काम कुम नहीं करती। अरे हाइपर इधर, अरे मेरी बात ना सुन जा, वो कैमरा कहीं और से ढूंढो, हमारा कैमरा लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, हम क्या फनी वीडियो बना रहे थे यार, देखो ऐसा मजाक है। ऐसे ही मजाक है, आप तो हाइपर ही हो गई, मैं आपको क्यों कॉमन आंटी समझूंगी, वैसे ही आपके साथ हंसी मजाक हंसे ठेडे करन देसी, तो अगर आपकी परमिशन है तो वीडियो यूज कर लूं। कर सकती हैं, हाँ क्रेजी कॉमेडी भी आई है, आपने भी देखी है, ठीक है चलें ठीक है साथ। ऐसी ना मेरे घर के काम वाले, मेरे पास में कैमरा लगा हुआ, हम एक फनी वीडियो बना रहे थे यार, पूछ के तो बनाती, फिर पूछ के असली रिएक्शन ही ना आते, अगर आपके परमिशन है तो आपकी वीडियो यूज़ कर ले, बना लिए तो कर ले चाहिए, क्रेजी कॉमेडी पे आएगी, आपने भी देखनी है, इतनी जोर से मेरा बाजू, तो मैं पागल लग रही हूँ मैं, तो मुझे रास्ते में रोक रही हो, काम वाली कर रही हो, पागल हो तुम। अच्छा रोना नहीं है, अच्छा मेरी प्यारी बहन मेरी बात सुनो, सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है और हम एक फनी वीडियो बना रहे हैं, क्या रही हो यार, फनी वीडियो एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहे हैं ना, ऐसे लोग हंसते हैं, खुशियां देना तो मेरा काम है, ओके तो अगर आपकी परमिशन है तो आपकी वीडियो यूज कर लें, कर लो अगर बुरा लगा ना आपको तो सॉरी, इट्स ओके चलें बाय बाय। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने किया लोगों को तंग, मुझे तो बहुत मजा है, उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा, अगर आप लोगों को आया मजा तो हम लोग आप लोगों से एम करते हैं पूरे 50,000 लाइक, हमारे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखें।